हेलो सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, एसके इंजीनियर कंपनी से मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। यहाँ के जो ओनर हैं नावेद अहमद हैं। सर मैं यहाँ आपको अभी सारी डिटेल देने जा रहा हूँ, क्या क्या मशीनरी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ तो सर मैं आपके साथ मोहम्मद आरिफ खान एसके इंजीनियर कंपनी से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने की मशीन है। देखिए सर, जो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पेपर दोना प्लेट बनाने की मशीन है, नैपकिन बनाने की मशीन है, नैपकिन मशीन है, सेलो टेप बनाने की मशीन है, नमकीन बनाने की मशीन है, नॉन वोवन बैग बनाने की मशीन है, कील बनाने की मशीन है। इस तरीके की 200 तरीके की प्रोडक्ट हैं। देखिए आप बहुत जगह गए होंगे लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ आइए और मशीनें देखिए। देखने से ही आपको पता लगेगा कि हम कौन कौन सी मशीनों के बारे में डील करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि आपको यहाँ आएंगे तो आपको आकर मशीनें दिखाई जाएंगी और आपको मशीनों के बारे में बताया जाएगा, आपको मशीन ऑपरेट करने के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कम पूंजी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जब आप यहाँ हमारे यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, मैं आपको अपने ओनर नावेद अहमद से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद जो मैं मोहम्मद आरिफ खान जो एसके इंजीनियर्स का मैनेजर हूँ, आपको सारी मशीनों के बारे में, ऑल टाइप्स मशीनों के बारे में डिटेल पूरी दूंगा सर। आइए सर मैं आपको अब मशीनों के बारे में बताता हूँ। देखिए हमारी ट्रेवल हेड मशीन है, चप्पल ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मेकिंग मशीन। इसके बाद सेकंड मशीन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये थर्माकोल मेकिंग मशीन है, यही चप्पल का पार्ट। दूसरी मशीन है स्टेप मेकिंग मशीन है। सेकंड ये देखिए पाउच पैकिंग मेकिंग मशीन, जो ऑल टाइप्स पाउच पैक करती है। फिर उसके बाद ये भी इसका सेकंड टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक में फुली ऑटोमेटिक न्यूमेटिक बेस्ड मेकिंग मशीन है। उसके बाद आगे आइए, ये जो मशीन है पीपी के गिलास बनाने वाली मेकिंग मशीन है, इससे हम पानी का गिलास बनाते हैं। आगे आइए सर, ये भी चप्पल मेकिंग मशीन है, हाइड्रोलिक बेस। इसके बाद ये जो पीछे खड़ी है मशीन सोया नगट्स मेकिंग मशीन है, ये जो है बेकरी का ओवन मेकिंग मशीन है, जो बेकरी के ऑल प्रोडक्ट सेकने के काम आती है। आगे आइए सर, ये जो जितने भी सारी मशीनें लगी हैं, ये देखिए पेपर दोना मेकिंग मशीन है, खोया मेकिंग मशीन है जस्ट। इसके बाद आइए सर, ये पशु आहार बनाने वाली मेकिंग मशीन है, सर्जिकल बैंडेज मेकिंग मशीन है। इसके बाद देखिए सर, ये जो रिंकल प्लेट बनाते हैं हम, उसकी मेकिंग मशीन है, हाइड्रोलिक बेस। ये सारी चप्पल मेकिंग मशीन है। उसके बाद डाई कटर, पीछे ये जो मशीन लगी है डाई कटर, मिठाई के डब्बे बॉक्स बनाने वाली मेकिंग मशीन है। ये पानी का, ये देखिए पानी का चिलर, जो पानी को ठंडा करने के काम में आता है। ये जस्ट देखिए हमारा, इसके बाद देखिए सर, ये जस्ट जो ये जो मशीन है ग्लास, पेपर ग्लास बनाने वाली मेकिंग मशीन है। ये देखिए चपाती मेकिंग मशीन, रोटी को मेकिंग करने वाली मशीन है। उसके बाद पीछे देखिए ये जो पानी पूरी बनती है उसकी मेकिंग मशीन है। जस्ट ये देखिए पाउच पैकिंग मशीन है, नोटबुक को पैक करने के लिए जस्ट। इसके बाद बैंड सीलर जो रखा है मसाले वगैरह पैक करने के लिए। पीछे पापड़ मेकिंग मशीन लगी है, साबुन मेकिंग मशीन लगी है जस्ट। इसके आगे देखिए कंबाइंड मेकिंग मशीन है ये, इसमें हम एक तरफ धान चावल मसाले सारी चीज बना सकते हैं। सेकंड ये देखिए ऑयल मिल, जिससे ऑल टाइप्स ऑयल निकाल सकते हैं। ये बराबर में फ्लोर मिनी फ्लोर मिल, कॉटन बिक्स मेकिंग मशीन जस्ट। ये देखिए ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन है। इसके बाद जस्ट देखिए धूप बत्ती मेकिंग मशीन है। आगे ये ऑटोमेटिक धूप बत्ती मेकिंग मशीन जस्ट, राइस मिल है ये। इसके बाद नेक्स्ट आगे आइए, ये देखिए अभी आपने देखा ही था, राइस मिल है, कंबाइंड मशीन है जस्ट। नेक्स्ट ये बैंड सीलर, जो भी मसाले के पाउच पैकिंग वगैरह करने काम में आती है, 5 किलो 2 किलो उस टाइप की बैंड सीलर मेकिंग मशीन है। आगे आइए, स्टीमर है मोमोज वगैरह जो बनते हैं, नूडल्स वगैरह को तैयार करने के लिए स्टीमर। ये सारी जो नमकीन एक्सट्रूडर हैं, लेमिनेशन मेकिंग मशीन, पेपर लेमिनेट करने वाली मशीन है ये, मछली का दाना बनाने वाली मशीन, पशु आहार बनाने वाली मशीन, ये सारी जो मशीनें लगी हैं जस्ट। उसके पीछे देखिए ये वाली जो मशीन है, ये दाल मिल है, मिनी दाल मिल, दाल बना सकते हैं, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ऑल टाइप्स दाल। आगे सर ये देखिए आप, ये साबुन बनाने, डिटर्जेंट शॉप बनाने वाली मेकिंग मशीन, सर्फ बनाने वाली मशीन। ये देखिए पल्पलाइजर मसाले का, बेसन वगैरह, ऑल टाइप्स बेसन मसाले वगैरह तैयार करने के लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट है।
जस्ट इसके बराबर में ग्राइंडर लगा है मिर्च वगैरह पीसने के काम में। पीछे देखिए सर, ये जो मशीनें लगी हैं पाउच पैकिंग में की मशीन है, वाटर को पाउच करने के काम में आती हैं, पैक करने के काम में आती है। जस्ट इसके बराबर में स्क्रबर मेकिंग मशीन है, इससे आप जूना वगैरह तैयार करते हैं जो घरों में यूज़ होता है। जस्ट इसके बराबर में देखिए ये फ्लोर मिल है, जिससे कि आटा वगैरह तैयार करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक में तैयार की गई है। जस्ट इसके बराबर में देखिए ये फ्रायर, नमकीन वगैरह को फ्राई करने के लिए फ्रायर अभी जस्ट लॉन्च किया गया है छोटा सा। ये देखिए पाउच पैकिंग मेकिंग मशीन फुली न्यूमेटिक बेस्ड है, जैसे कि कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह ऑल टाइप्स तैयार कर सकते हैं। इसके बराबर में देखिए नूडल्स मेकिंग मशीन लगी है सर। ये देखिए टमाटो सॉस मेकिंग मशीन, ये पूरी जो कंप्लीट है। ये पीछे जो खड़ी है ये कुरकुरा मेकिंग मशीन है, ये पूरा कुरकुरे का प्लांट है। आगे देखिए ये पूरा जो देखा आपने भी टमाटो सॉस का प्लांट है। जैसे इसके बराबर में देखिए सर, ये जो अभी सर्जिकल बैंडेज जो तैयार की गई थी उसकी मशीन है, ये जो तैयार रखी है। उसके बराबर में पीछे देखिए ये ऑयल मिल स्पेलर दे रखा है, जिससे कि आप मस्टर्ड ऑयल तैयार करते हैं। इसके बराबर में देखिए सर, ये नोटबुक का प्लांट है सारा, ये नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इससे। जस्ट इसके बराबर में देखिए ये सी का सारा पूरा प्लांट नोटबुक का ही है, एज उसका ये लगी है सारी। जस्ट इसके बराबर में देखिए डब्बे तैयार करने के लिए, लेमिनेट करने के लिए आप कॉपी का कवर है, मिठाई के डब्बे वगैरह लेमिनेट करने के लिए ये ऑटोमेटिक प्लांट दे रखा है हमारा, अभी ये लॉन्च हुआ है। जस्ट इसके आगे देखिए, ये देखिए सर, इसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इसमें बहुत सारे मॉडल हैं अभी, ये जस्ट लाइक 200 ग्राम प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मेकिंग मशीन। इससे ऑल टाइप्स प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं डाई को चेंज करके। जस्ट ये देखिए 5 नंबर नेल वायर मेकिंग मशीन है, इससे कील को तैयार की जाती है, ये पूरा नेल वायर। उसके बाद ये दूसरी 3 नंबर मशीन लगी है, जिससे कि 3 इंच तक की कील तैयार की जाती है। जस्ट इसके आगे देखिए ये वाली जो नॉन वोवन मेकिंग मशीन, जो कपड़े के थैले बनाए जाते हैं उसकी मशीन है, फुली ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर आप इसकी सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी चाहते हैं तो ये देखिए ये भी लॉन्च कर दिए। ये 3 मशीनें जो लगी हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। जस्ट लाइक देखिए इसके पीछे ये जो मशीन लगी है पैड ब्लो मेकिंग मशीन है, बॉटल को तैयार करने वाली, बॉटल की प्रीफॉर्म तैयार होती है इससे, प्रीफॉर्म से बॉटल तैयार होती है। ये ओवन वगैरह इसका लगाया, देखिए पूरा कंप्लीट प्लांट है। जस्ट इसके बाद देखिए ये कुल्फी ओवन में, ये भी बॉटल को तैयार करने का प्लांट है, इसका अपर मॉडल है। जस्ट इसके बाद देखिए ये नूडल मेकिंग मशीन है, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक नूडल मेकिंग मशीन हायर प्रोडक्शन में। जस्ट इसके बाद देखिए ये जो पाउच पैकिंग होती है उसका प्लांट है। इसके बाद देखिए सर, ये सोडा कोल्डिंग सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो तैयार होती है उसका प्लांट है। उसके पीछे देखिए ये सोडा फाउंटेन मेकिंग मशीन है, सोडा फाउंटेन मेकिंग मशीन 4 फ्लेवर में, 4+2 6 फ्लेवर में ये मशीन दे रखी है। जस्ट इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए सर, ये जो नमकीन का प्लांट है, इसका मल्ली प्लांट है बेसन को तैयार करने के लिए। उसके बाद ये एक्सट्रूडर है नमकीन बनाने के लिए। जस्ट इसके पीछे देखिए ये मशीन जो लगी है बूब मेकिंग मशीन, जो सेलो टैप वगैरह तैयार करने के लिए होती है। उसके पीछे देखिए वो एल्यूमिनियम फॉइल, जो किचन हाउस फॉइल होती है उसको तैयार करने के लिए होती है। जस्ट इसके बराबर में जो ये मशीन लगी है, ये देखिए नैपकिन मेकिंग मशीन है, नैपकिन को तैयार करने के लिए, फोल्डिंग कटिंग वगैरह ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। जस्ट इसके बराबर में देखिए कैम्फर टैबलेट को तैयार करने के लिए ये मशीन दे रखी है 4 हेड में। जस्ट इसके पीछे देखिए ईवा मेकिंग मशीन, चप्पल को तैयार करने के लिए, दाने से जो चप्पल तैयार होती है उसका प्लांट है। इसके बराबर में देखिए ये सर, जो हाइड्रोलिक प्लेट तैयार होती है 6 प्लेट में, उसका प्लांट है फुली ऑटोमेटिक। सर ये प्लांट देखिए, जो सोडा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होती है उसको तैयार करने का प्लांट है, 2 हेड में, फुली ऑटोमेटिक है। आप इसका कंप्रेसर वगैरह, कंप्रेसर है, कार्बोनेटर है, पूरा कंप्लीट प्लांट है ये सर, इससे आप सॉफ्ट ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप हमारे यहाँ विजिट कैसे कर सकते हैं। आप डिस्प्ले पे देखिए, वहाँ पूरा एड्रेस हमारा आ रहा है और वहाँ सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट करके, आप अगर स्टेशन पर आ जाते हैं बरेली स्टेशन पर, तो कॉल कर बता सकते हैं और हम आपको वहाँ से कैब के थ्रू अपनी कंपनी में विजिट भी करा देंगे। कौन सी बरेली, राय बरेली है, बांस बरेली? ये बांस बरेली है, लखनऊ और दिल्ली के बीच में पड़ता है, रामपुर से आगे पड़ता है। अगर दिल्ली से आएंगे तो रामपुर से आगे पड़ेगा, और लखनऊ से आएंगे तो रामपुर से पहले पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 200 प्लस मशीनें मिल जाएगी, लेकिन सभी मशीनों के बारे में एक ही वीडियो में बता पाना वीडियो काफी लंबी हो जाती है।
यहाँ पर सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग मशीनें मिल जाती हैं। हो सकता है जो मशीन आपको लेनी हो इस वीडियो में नहीं बताई गई हो, तो इसलिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी भी दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि जो मशीन आप लेना चाहते हैं जो वीडियो में नहीं दिखाई गई हो इनके पास अवेलेबल है या नहीं है। और दोस्तों, जो मशीनें वीडियो में दिखाई गई हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, मशीन का कॉस्ट क्या होगा, एक मशीन से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसके लिए कितने साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी जहां पर आपको इस मशीन का प्लांट लगाना होगा, पूरी जानकारी आपको एक एक वीडियो में मिल जाएगी। हर मशीन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाई गई है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मशीनों के बारे में लिंक दिए गए हैं, आप उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं उस वीडियो लिंक पर क्लिक करने के बाद। इसी तरह के अर्निंग आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, मशीनरी प्लांट आपको लगाना हो, फ्रेंचाइजी लेनी हो किसी कंपनी की, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो, सभी तरह के अर्निंग टिप्स यहां पर आपको बताए जाते हैं। इन सभी के बारे में आप अपडेट तभी रह पाएंगे जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबा देते। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं किसी नए दूसरे लघु उद्योग की तलाश में, किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी की तलाश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।